आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के दंगल पर बोले MPCI के अध्यक्ष तस्लीम अहमद रहमानी का BJP पर बड़ा बयान। कहा, आज के जमाने में मैं बहुत परेशान हूँ, किसकी तारीफ करूँ किसकी नहीं ये समझ नहीं आता। BJP के मंत्रियों के मुकदमे अपने आप वापस ले लिए जाते हैं। तमाम बड़े बयान हैं और तमाम बड़ी बयानबाजी की जा रही है तस्लीम अहमद रहमानी की तरफ से BJP पर। उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। मैं आज के जमाने में बहुत परेशान हूं कि किसकी तारीफ करूं और किसकी तारीफ ना करूं। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पर फ्रंटलाइन पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट और असेंबली से निकाल के बाहर फेंका जा रहा है और क्रिमिनल्स का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। और बहुत से हार्डकोर क्रिमिनल तो ऐसे हैं कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाए और वो मंत्री बन जाए तो उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। हार्डकोर केसेस मुख्यमंत्री के ऊपर थे, उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए गए। ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जमाना जिसमें पॉलिटिशियन को जूते बार बार के लोकसभा और असेंबलियों से बाहर फेंका जा रहा है और क्रिमिनलाइजेशन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप गौर फरमाइए, आपके चैनल पे पूरे मीडिया हाउसेस में ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक ही क्रिमिनल है और आज उसका खात्मा हो रहा है, जैसे इनका एनकाउंटर का इंतजार किया जा रहा है जो गैर कानूनी किस्म की चीज है। आप इस तरीके से अगर क्रिमिनल्स का ग्लोरीफिकेशन नेशनल मीडिया के प्राइम टाइम पे हो रहा है तो क्या ये जमाने को मैं बदकिस्मत न कहूं।